आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भाजपा में जा सकते हैं, ऐसी तमाम मतलब कयास और तमाम अभी हेडलाइन देखिएगा। बिहार से जुड़े जितने भी न्यूज चैनल हैं, जो भी पॉलिटिकल खबरें करते हैं, उस पर अगर आप हेडलाइन पे गौर करें तो लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा बने भी क्यों ना, क्योंकि ये किसी को विश्वास नहीं हो सकता है, सबको अचंभित करने वाली बात है कि वो आदमी जिसको लालू परिवार अपना करीबी मानता है, राबड़ी देवी अपने भाइयों को छोड़ के जिस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, जिसको भाई मानती है, एक राजपूत आदमी, एक यादव परिवार का भाई बना हुआ है, तेजस्वी यादव जिसको मामा कहते हैं, तेजप्रताप यादव जिसको मामा कहते हैं, वो व्यक्ति अचानक से उसके बारे में अगर खबर आती है कि वो आरजेडी छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर वो भाजपा में चला जाएगा। अब ये सारे कयास लगने शुरू कैसे हुए, तो एक तो आप देख रहे होंगे तमाम ऐसी बातें चल रही हैं, जो सुनील सिंह के आप पोस्ट जाकर उनके फेसबुक पेज पे आप नज़र दौड़ा लें तो तमाम ऐसी बातें हैं जो एकदम नीतीश कुमार के खिलाफ है। नीतीश और उनकी अदावत की कहानी एकदम चर्चा में बनी हुई है, हर तरफ आप जिधर देखिए, बच्चे बच्चे को जो भी राजनीति में आप रुचि रखते हैं अगर, जो तो आपको अच्छे से पता होगा कि इन दोनों में क्या चल रहा है। एकदम 36 का आंकड़ा चला हुआ है, फेसबुक वार चल रहा है, सुनील सिंह लगातार जो भी सदन में बोले हों नीतीश कुमार या कहीं भी बोलते हों, सुनील सिंह अपने पोस्ट के माध्यम से लगातार वो जवाब देते हैं। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल जब विस्तार की बात हो रही थी तो सुनील सिंह को इस बात का भरोसा था कि उनको भी कोई ना कोई मंत्रिमंडल मिलेगा, मंत्री पद उनको दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ दो तीन फैक्टर इसलिए सुनील सिंह सोच रहे थे कि जैसे तेजस्वी यादव ए टू जेड की राजनीति की बात करते हैं, तो शायद एक स्वर्ण ए टू जेड क्या मतलब कि स्वर्ण लोगों को इसमें भूमियार हो, राजपूत हो, कायस्थ, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सा देना, बराबर उनको ऊपर उठाना, केवल यादव को आगे ना बढ़ाना, तो इनको इस बात के लिए आश्वासन था या अपने तरफ से आश्वस्त थे ये कि हमको ज़रूर बनाया जाएगा राजपूत वाला समीकरण फिट करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार एकदम इसके से सहमत नहीं है, तेजस्वी यादव को उनके चलते झुकना पड़ रहा है शायद नीतीश के आगे, इसलिए उनका मंत्रिमंडल से जो पत्ता था वो लगभग कट चुका है, वो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। इसके बाद इसी महीने जुलाई में ही 11-12 जुलाई के आसपास वो जो गृह मंत्री हैं, भाजपा के जो पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनसे उनकी सुनील सिंह की मुलाकात हुई थी। और अभी जिस प्रकार से लगातार वो सब बढ़ते जा रहा है नीतीश कुमार से दावत, महागठबंधन में एकदम सुनील सिंह किनारे हो चुके हैं, इसके बाद अचानक से ये चर्चा होनी शुरू हुई और आज और कल से एकदम से चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि सुनील सिंह भाजपा में जाने वाले हैं, उनको इस बार 2024 के चुनाव में उनको टिकट दिया जाएगा सांसदी का, वो चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे। क्योंकि जहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी, अभी इसके कारण ये भी है कि सारण से क्यों टिकट मिल सकता है, तो सारण से जो सांसद थे राजीव प्रताप रूढ़ी, वो एक तरह से भाजपा के अंदर कहे तो बगावत कर रहे हैं, वो पूरा बिहार यात्रा कर रहे हैं और तमाम तरीके से ये बता रहे हैं कि वो दोनों भाई मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों को कोई जवाब दे सकता है तो हम ही हैं। वो अपने आप को एक विकल्प के रूप में दिखा रहे हैं कि अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक भाजपा के पास कोई है तो राजीव प्रताप रूढ़ी है। और भाजपा ऐसे लोगों को अपने पार्टी के अंदर एकदम नहीं रखना चाहती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है, इसलिए ये माना जा रहा है कि सारण का सीट लगभग इस बार भाजपा साफ करने वाली है, राजीव प्रताप रूढ़ी से छीन लिया जाएगा और सुनील सिंह को वहाँ से लड़ाने की बात हो रही है। और ये तमाम चर्चा एकदम चरम पे है। अब इसका एक दूसरा पक्ष है, ये तो रही मीडिया की बातें, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी हो रहा है कि शायद सुनील सिंह के तरफ से या उनकी जो पीआर टीम हो उनके तरफ से ये जानबूझकर कराया जा रहा है, एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं, जो वो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश सुनील सिंह कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। वैसे भी वो दिमाग में काफ़ी शातिर माने जाते हैं, काफ़ी चालाक नेता माने जाते हैं, तो हो सकता है वो प्रेशर जानबूझ के बना रहे हैं। क्योंकि हमको नहीं लगता, या जो भी आप अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको ये पता भी होगा कि क्या समीकरण है, कि सुनील सिंह भाजपा में आरजेडी में एक कद्दावर नेता के तौर पे हैं, उन्होंने जो सब कुछ दिया है वो आरजेडी को समर्पित रहा है, हमेशा आरजेडी के लिए काफ़ी समर्पित रहे हैं और इसीलिए वो एकदम से परिवार से नज़दीक से जुड़े हुए हैं। लालू यादव हो, उनके घर पे आप देखे होंगे कभी जो फंक्शन चल रहा था, उनके घर पे बैठ के डांस कर रहे थे तेजस्वी यादव, गाली सुन रहे हैं, जो शादी विवाह में गाया जाता है, जितने अच्छे वीडियो जा रहे थे सब वहीं से आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सुनील सिंह जानबूझ के ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि आरजेडी उनको खोना नहीं चाहेगी और नीतीश कुमार के सामने आरजेडी ये उनके लिए स्टैंड ले, हो सकता है उनको मंत्रिमंडल या इस बार कहीं उनका हो सकता है कि मन हो। तो एक तरह से सारण से आरजेडी का जो महागठबंधन का कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं है, पहले से वहाँ से भाजपा जीतती आई रही है और राजीव प्रताप रूढ़ी वर्तमान में सांसद भी है, तो हो सकता है कि दिखा कुछ और रहे हैं, मतलब हाथी का दांत दिखाने के कुछ और हैं और पीछे से सुनील सिंह चाह रहे हैं कि शायद उनको ये टिकट महागठबंधन से मिल जाए, वो भाजपा के नाम पर भले दिखाएं और महागठबंधन के रूप में उनको फल मिल जाए। बाकी देखना है, असली सच्चाई कुछ ना कुछ दिन में बाहर आ ही जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।
Thank you.